हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 19। इस अध्याय का शीर्षक है महाराज प्रथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा प्रथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो प्रथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर सके। महाराज प्रथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद और नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनक आदि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सारी रत्न राशियां, पर्वत भक्ष, भोज, चोष और लेह, चार प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज प्रथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। जिस समय महाराज प्रथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उसमें यज्ञ का घोड़ा हरण कर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न कराने वाला था। इसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा से जान पड़ते हैं। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज प्रथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर प्रथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवताधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर प्रथु कुमार क्रोध से भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे, उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देखकर उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत हर ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देखा, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर प्रथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही इंद्रराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर फिर से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया।
तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहां खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार प्रथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था उन नग्न रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है, लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आशक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचालता का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज प्रथु को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध वेश के कारण उनके ओर देखा नहीं जा रहा था। तब ऋत्विजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज प्रथु इंद्र का वध करने को तैयार है। तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके शुयस से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे शुरुआत द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं, और उन्हें तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। प्रथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम विचार दो, अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करता रहेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज प्रथु के 99वें ही यज्ञ कर रहने दो। फिर राजर्षि प्रथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता ही नहीं है। आपका मंगल हो, आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्रीहरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी चिंता खींचती जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं, वे इनके दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक प्रथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगुवादी विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर परम पराक्रमी महाराज प्रथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज प्रथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से तो जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान और मान से
खूब सत्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।